यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? मुझे क्या बोलते, ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो आई एम बैक विद अनदर रिएक्शन वीडियो। टाइटल एंड थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज हम दोबारा से एल्विश यादव की एक फेवरेट वीडियोज, उनकी न्यू वीडियोज, पुरानी वीडियोज, जितनी प्लीज उनकी फेवरेट मूवमेंट्स है, उन पर रिएक्शन देने वाले हैं। लास्ट वीडियोज में आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया है उसके लिए, थैंक यू सो मच। मुझे ज़रूर नीचे कमेंट में बताएं कि आपको जो है वो एल्विश यादव के ब्लॉग पे या उनके जो सॉन्ग्स हैं उन पर भी रिएक्शन चाहिए, तो मुझे ज़रूर ज़रूर बता दें नीचे कमेंट सेक्शन में। बिफोर स्टार्टिंग से वीडियो में हर फिर वायर जो है वो आपको 10 सेकंड देना चाहती हूँ, जिनमें आप लोगों ने मेरे चैनल को कर देना है सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर देना है, बिकॉज यू गाइस नो कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा रिएक्शन देने वाली हूँ। नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो आपने हैशटैग एल्विश आर्मी लिखना नहीं भूलना है, कमेंट सेक्शन को भर दें, बिल्कुल अच्छे तरीके से भर दें, जहाँ मैं देखूँ वहाँ पर मुझे हैशटैग एल्विश आर्मी नज़र आनी चाहिए। तो 10 सेकंड वाला टाइम जो है आपका शुरू होता है अब। बाकी तुम्हें एक चीज बताता हूँ, अगर मेरे धर्म के बारे में कोई फालतू बोलेगा, अगर उसको डिफेम करेगा और मैं उसको गाली बकूंगा, और कोई मेरे को बोलेगा एलिस भाई तुम गलत कर रहे हो, तो भाई मैं गलत ही हूँ, मेरे को अच्छा बनना भी नहीं, मेरे को गलत ही रहने दो। बाकी तुम्हें एक चीज बताता हूँ, अगर मेरे धर्म के बारे में कोई फालतू बोलेगा, अगर उसको डिफेम करेगा और मैं उसको गाली बकूंगा, और कोई मेरे को बोलेगा एलिस भाई तुम गलत कर रहे हो, तो भाई मैं गलत ही हूँ, मेरे को अच्छा बनना भी नहीं, मेरे को गलत ही रहने दो। आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हो, मैं मान गया, पर भाई तुम इवेंट तो होने दिया था, इतना तो छोड़ो कि हम अंदर बाहर आए, हर शक्ल तो दिखाए, चूहे से रेडी होके आ रहा है, पर परफ्यूम लगा के तुम्हें पता नहीं है कि ये पूरा सिस्टम एल्विस भाई के आगे नंगा नाचता है, एल्विस भाई से बड़ी तो चीज ना है कोई। आज इंडिया में हम लोग सही से जवाब दे रहे हैं, जो गलत है उसको गलत बोल रहे हैं, तो इनको क्या लग रहा है कि हिंदू सेंसिटिव होता जा रहा। भाई देखो, अगर गलत को गलत बोलना सेंसिटिव होता ना, तो हाँ जी भाई सेंसिटिव है हम, और मैं तो माधवचोद बहुत बड़ा सेंसिटिव हूँ। आपको एल्विश पसंद है? ये काला घोड़ा तो पहचानो, ये चोरी करके लाए हैं। हाँ हाँ भाई, ये फ्री की चीज ना छोड़ा कुछ भी, काला घोड़ा तो आपके पास भी है, करो फिर मेरे घर तो भी लेगा। देख भाई दीपक, गुड़गांव का केवल एक का मालिक है और वो है अपना एल्विश भाई। लाइव आते हैं तो आप इंस्टाग्राम क्रैश कर देते हैं। फास्टेस्ट 1 मिलियन फॉलोअर्स गेन करने का टाइम तो अल्लू अर्जुन का था 69 मिनट्स, वो हमने तोड़ दिया 43 मिनट्स। क्या प्रोग्राम है, कर लेंगे प्रोग्राम।
रेडी है तू फिर? रेडी हूँ मैं। चल तो फिर बढ़िया तेल लगल मंगा। ये जो आपने सिस्टम बना रखा है, आपके फैंस तो हैं, बिग बॉस के घर के अंदर से कोई ऐसा कंटेस्टेंट है जो आपके सिस्टम में नहीं आना चाहता लेकिन आप उसको लाना चाहते? नहीं, मैं किसी को अपने सिस्टम के नीचे नहीं लाना चाहता। वो अपने डोर हैंडल्स ब्लैक, एक अपने शीशे ब्लैक और अपने कैरेक्टर ब्लैक और भैया तो थाई पहले ब्लैक और इसके नंबर प्लेट हमने हटवा दी सरकार से कह के। और भाई अभी मैं प्रॉपर सारी चीजें देख लिया, नॉलेज हम पूरी रखते हैं। ओए मून पे रेत उड़ा है, जब कास्टिंग वाले मेरे से पूछ रहे थे ना कि भाई ऐसे ऐसे तुमने आना है, तो मैंने पूछा कि वोट्स रियल होते हैं? तो उन्होंने बोला बिल्कुल रियल होते हैं। मैंने कहा अगर रियल होते ना तो फिर मुझे हरा के दिखा दे। भाई तेरे को पता है इसका बाप कौन है? इसका पापा कोई भी हो, मैंने पता ना है कि फूफा बदमाश है, एक एक की एसटीसी कर दूंगा। फास्टेस्ट 1 मिलियन लाइक्स का अपने भाई के पास था, विराट कोहली भाई के पास 11 मिनट में, तो 8 मिनट में हमने तोड़ दिया। सौरभ भास्कर ने यूट्यूबर को ये कर दिया, फिर पापा फोन आया मेरे पास, तेरा पलट पा जा। मैं पापा पास गया, तू कह रहा क्या आई हो? सौरभ भास्कर का वो खोल रखा आर्टिकल। मैंने कहा ये तो कंप्लेंट है, कह रहा FIR है। मैंने कहा कंप्लेंट है, कह रहा मैंने पता कंप्लेंट है FIR में क्या? मैं कहा इतनी कंप्लेंट पड़ी है, फिर बाहर है अगर कंप्लेंट है ये यारी भाई भाभी नाप ले रही है, भाभी नाप ले रही है, भाभी कटार के नाम की ले रही है। 1 करोड़ रुपए की शर्त है, मुझे कन्वर्ट करके दिखा दो किसी भी धर्म में, किसी भी हिंदुइज्म के अलावा मुझे चेंज करके दिखा दो। मैं 1 करोड़ छोड़ 10 करोड़ रुपए दूंगा, और बताओ अगर नू उठा कर नू कर दूंगा नू। आप भी गया जोन सा गालियों से भी दिक्कत है क्या आप? मुझे हाँ, जब कोई रोके मुझे गाली। सुकर मना रुका हुआ है ना, तो तुझे भी देखे जाता है। रैप कौन सा करेगा इस पे? इसे तो कबाड़ में दूंगा। So yes family, Elvis यादव की जो attitude videos हैं उस पे reaction आज का जो है वो हमारा होता है complete, and वाकई जो है ना वो जब reaction आप देते हो and like ये videos देखते हो ना आप अपने आप को भी राव साहब feel करते हो, like मुझे भी feel होता है कि मैं राव साहब हूँ and मेरे भी slow-mos बन रहे हैं, you know. So well Elvis army, जैसे आपने Elvis यादव के रिकॉर्ड तोड़ने में हेल्प की है वैसे ही जो है वो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे चैनल को उसी ही तरीके से जो है वो प्यार दें एंड उसी तरीके से सपोर्ट करें, ऐसे ही जो है वो हैशटैग Elvis आर्मी से मेरे कमेंट सेक्शन को भर दें, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी से मुझे दिखा दें Elvis आर्मी की पावर। जो वाकई Elvis आर्मी वाला बंदा होगा या बंदी होगी वो तो फटाफट जो है वो सब्सक्राइब कर देगी, मैंने इतनी बार बोला है अब तो। सो यस, जो भी Elvis यादव के फैंस हैं, सच्चे फैंस हैं, जो Elvis यादव की आर्मी है वो फटाफट से जो है वो चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को भी लाइक कर दे। सो बिफोर एंडिंग द वीडियो मैं आप लोगों को
याद दिलवाना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना है, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो जितना हो सके आप जो है वो मुझे सपोर्ट करें, एंड आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया भी है, सो उसके लिए थैंक यू सो मच वंस अगेन। सो यस, आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें। जितनी भी एलविश आर्मी है उन तक जो है वो ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। सो यस, मैं मिलूंगी आपको अगली रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।